हेलो नमस्ते, फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। मैं हूँ अरविंद सिंह राव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे अरविंद। आज हम जा रहे हैं सोजे सिटी, जिसे मेहंदी की नगरी भी कहते हैं, और वहाँ पर स्थित प्राचीन किले के हम इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे नए वीडियो और नए सफर को। हम सोजत के लिए निकल चुके हैं। 140 किलोमीटर का सफर तय कर अब हम सोजत सिटी पहुंच चुके हैं। राजस्थान के पाली जिले में सुगड़ी नदी के किनारे पर स्थित है यह सोजत नगरी। प्राचीन काल में इस शहर को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था। इसकी पुष्टि यहां से मिले तांबे के अवशेष से हो जाता है। माँ सेजल के नाम से इस नगरी का नाम सोजत पड़ा। सोजत जो पूरे विश्व में मेहंदी की नगरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ की मेहंदी भारतीय नारी के 16 श्रृंगार का एक हिस्सा है। मेहंदी के साथ साथ यह शहर चूना, पत्थर व हस्तनिर्मित कैंची के लिए भी जाना जाता है। सोजत किले का इतिहास जानने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। हम सोजत के इस ऐतिहासिक दुर्ग पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं ये सामने विशाल दुर्ग। जोधपुर और मेवाड़ के बीच नानी सीढ़ी नामक डूंगरी पर बना यह दुर्ग जयपुर के आमेर तथा जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग से भी पुराना है। यह दुर्ग रामेलाव तालाब के पास में स्थित है। इस दुर्ग के दो विशाल द्वार हैं जो आप सामने देख रहे हैं, यह भव्य द्वार। मुख्य द्वार के सामने भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आइए अब हम इस दुर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं। विशाल गेट से होते हुए अब हम दुर्ग के अंदर जा रहे हैं। हम इस दुर्ग के अंदर आ चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर स्थित चामुंडा माता का मंदिर। आप दर्शन कर रहे हैं सोजत दुर्ग में स्थित चामुंडा माता के। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था ये जानने से पहले आपसे पुनः आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विक्रम संवत 1512 में राव जोधा ने मेवाड़ से इस सोजत नगरी को वापस अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था तथा अपने बेटे रामनिम्बा को इस सोजत की जागीरी सौंप दी थी। रामनिम्बा ने नानी सीढ़ी नामक डूंगरी पर विक्रम संवत 1517 में इस सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया था। विक्रम संवत 1517 में इस सोजत दुर्ग का निर्माण हुआ है। रामनिम्बा के बाद इस सोजत की जागीरी वीरमदेव को दे दी थी। बाद में जोधपुर के महाराजा राव गंगा सिंह ने सोजत पर अपना पूर्णतः अधिकार कर लिया था। राव गंगा सिंह के बाद जोधपुर की गद्दी पर राव मालदेव का अभिषेक हो गया तथा राव मालदेव ने इस दुर्ग के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण करवाया था, जिसे स्थानीय भाषा में परकोटा भी कहते हैं। इस दुर्ग के चारों तरफ परकोटा का निर्माण करने के कारण जोधपुर राज्य की ख्यात में राव मालदेव को ही सोजत दुर्ग का निर्माणकर्ता बताया गया है। आप देख रहे हैं इस दुर्ग से इस सोजत नगरी का भव्य नजारा। सन 1621 में मुगल शासक अकबर ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था तथा सोजत मुगलों का अधीन हो गया था। सन 1664 ईस्वी में जहांगीर ने इस दुर्ग को करमसेन उग्र से नोत को दे दिया था। उसके बाद राजा विजय सिंह ने यहाँ पर बहुत सारे निर्माण के कार्य करवाए। किले में कई छोटे छोटे दुर्ग बने हुए हैं जो सोजत के सैकड़ों साल पुराना इतिहास बताते हैं तथा वहाँ के रहन सहन के बारे में बताते हैं। इस दुर्ग में देखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे दरीखाना, सुंदर महल, तबेला, तालाब तथा चामुंडा माता का मंदिर। सोजत दुर्ग के बारे में नहन से लिखते हैं कि छोटी सी भाकरी, ऊपर छोटा कोट जिसमें सादे मकान।
वर्तमान समय में होली के अवसर पर इस दुर्ग में विशाल गैर होती है तथा मेला लगता है। इस दुर्ग के दूसरे द्वार से हम बाहर की तरफ निकलते हैं। आप देख रहे हैं यह इस दुर्ग का विशाल दूसरा गेट है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, इस वीडियो को भी शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।